नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित और मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं, खासकर उन लोगों के लिए जो मेंस आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं या जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि हम आंसर राइटिंग को और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे टॉपर्स के ब्लॉग पढ़े होंगे, उनको सुना होगा कि कैसे वो आंसर्स के अंदर अच्छी एग्जांपल्स लिख कर आते हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, प्रॉपर डेफिनेशंस कुछ याद करके जाते हैं, जैसे एथिक्स के अंदर कुछ कोट्स लिख कर आते हैं या एस्से के अंदर कोट्स लिखते हैं, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स लिख कर आते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जब वो आंसर में स्प्रिंकल करते हैं तो उनसे उनका आंसर जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बेहतरीन हो जाता है और उनको वो एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आईएएस बनने और ना बनने में फ़र्क यही रह जाता है कि हर क्वेश्चन के प्रति आपको आधा या एक नंबर जिसको ज़्यादा मिल गया वो आपका आईएएस या आईपीएस बन गया, ठीक है। तो फ़र्क बहुत कम रह जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे के अंदर ये वाली जो चीज़ें हैं, एग्जांपल्स हैं, डेटा है, ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, अगर आपने इनको टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है इन सारी चीज़ों को, तो आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं और अपने आंसर में डायरेक्टली इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको मैंने नाम दिया है स्पाइस फॉर मेंस आंसर राइटिंग। स्पाइस क्या होता है? मसाला। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इस वीडियो में, ये वीकली वीडियो होगी, इसमें आपको न्यूज़पेपर से जो ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने आंसर्स में, वो मैं यहाँ कलेक्ट करूँगा और आपको दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ को हम स्पाइस बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स इकट्ठी करना। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई वाटर कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आए, तो जाहिर सी बात है आप अगर उसमें आप एक एग्जांपल लिखेंगे, कोई एक केस स्टडी लिख सकते हैं, कोई बेस्ट प्रैक्टिस लिख सकते हैं, तो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे जोहाड़ इन राजस्थान, ये आपने सुना होगा, राजेंद्र सिंह जो वाटर मैन है, उनको उन्होंने काफ़ी पॉपुलराइज़ किया, इसको रिवाइव किया, ये वाटर कंजर्वेशन का पुराना तरीका है, ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ कई बार ख़राब एग्जांपल्स भी लिखने पड़ते हैं आंसर में, जैसे अगर सोशल मीडिया कैसे थ्रेट पोज करता है इंटरनल सिक्योरिटी को, तो उसमें आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि जैसे हाल ही में लिंचिंग के इतने इंसिडेंट्स होते हैं सोशल मीडिया र्यूमर्स की वजह से। तो इस तरह की आप एग्जांपल मेंशन करेंगे तो आपका आंसर जो है वो काफ़ी रिच हो सकता है। ऐसी कुछ अच्छा डेटा, ठीक है, डेटा जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन आता है, तो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिचेस्ट 1% इंडियंस हैव 59% ऑफ वेल्थ, ये ऑक्सफैम का डेटा है। तो इस तरह से आप कुछ कंटेक्सचुअल अगर डेटा दे सकते हैं अपने आंसर में या इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में, तो उसे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। इसी तरह से गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको भी आपको टॉपिक वाइज अरेंज करना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि वेस्ट से एनर्जी बनाने की गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या हैं, तो आपको मुझे जल्दी से 2-3 आपकी स्कीम्स फटाफट दिमाग में आ जानी चाहिए। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, तो आपको एज इट इज़ वो याद होनी चाहिए कि ये स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करती हैं, ठीक है। ऐसी कुछ प्रोफाइल्स हम तैयार कर सकते हैं खासकर एथिक्स के पेपर के लिए, ठीक है। जैसे ये एक पैरा एथलीट हैं, एकता भयान करके, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता आफ्टर अ लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल, तो ये बहुत अच्छी करेज की एक केस स्टडी है, परसिस्टेंस की, परसिवियरेंस की, ये बहुत अच्छी केस स्टडी है। ऐसी सिलेबस की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे पावर्टी, करेज, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब की हमें थोड़ी प्रिसाइज डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, सिंपल और प्रिसाइज। ऐसे ही हम कुछ पावर वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे एडिटोरियल्स वगैरह में, हिंदू के बड़े अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, डीप स्टेट। अब इन वर्ड्स को भी आप अगर थोड़ी अपनी रिपोजिटरी तैयार करोगे तो आप अपना धीरे धीरे आंसर बहुत अच्छा लिख सकते हो। ऐसे ही कोर्ट जजमेंट्स, कोर्ट जजमेंट्स को भी ज़रूरत है कि हम थीमेटिकली ऑर्गेनाइज करें थीम्स के हिसाब से। तो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या जजमेंट्स हैं, तो जैसे समता जजमेंट है, सिंगूर जजमेंट है, इस तरह की जो जजमेंट्स हैं आपको उनके एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए, ठीक है। और फिर कुछ कोट्स हैं, ठीक है, जो खासकर एसे और एथिक्स के पेपर में यूज़ होती हैं। तो आइडिया ये है कि हम एक टॉपिक वाइज रिपोजिटरी तैयार करें और उनको हम आंसर्स में अपने स्प्रिंकल करें इस तरीके से कि जो आंसर हमारा है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा रीडेबल हो और हमें ज़्यादा मार्क्स मिलें, ठीक है। तो मैं इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हर हफ्ते आपके लिए ये एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें से मैं न्यूज़पेपर से, हिंदू, एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, इनसे मैं इस तरह का जो मसाला है वो इकट्ठा करके आपको दूंगा टॉपिक के हिसाब से। और आपको करना क्या है, आपको ये वीडियो सुन के ये जो चीज़ें हैं ये अपने नोट्स में जाके ऐड करनी है,
ठीक है। तो जैसे मान लो मैं एग्रीकल्चर वाटर कंजर्वेशन की आपको केस स्टडी बताई कि जोहाड़ राजस्थान में है, तो आपको ये जोहाड़ राजस्थान की जो केस स्टडी है, ये जो वर्ड्स हैं, ये अपने वाटर कंजर्वेशन के नोट्स में जाके ऐड करने हैं, ठीक है। तो आपको इतना करना पड़ेगा और इसकी रेगुलर रिविजन करनी पड़ेगी, तभी आप आंसर्स में इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं अपने पहले एपिसोड से, स्पाइस ऑफ द वीक। तो इसके अंदर मैंने 1 से 6 अक्टूबर तक के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनसे ये इकट्ठा किया है। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो जैसे जब कई बार क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करें, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जैसे शुरू कर सकते हो कि हाल ही में जो फार्मर्स रैली हुई भारतीय किसान यूनियन की जो दिल्ली में आए, वो हाईलाइट करता है कि स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस जो है हमारे देश में वो कैसा है, वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान जो हैं वो दिल्ली में आए। उनकी डिमांड्स क्या थी? डिमांड्स उनकी ये थी कि फार्म लोन जो है उनको वेव किया जाए, ठीक है, उनका जो MSP है वो बढ़ाया जाए। तो इस तरह की कुछ डिमांड्स थी एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये रैली काफ़ी अच्छा पॉइंट है एक लिखने के लिए कि एक कंटेक्चुअल कंटेम्प्रेरी स्टार्ट मिल जाती है आपके आंसर को, ठीक है। तो और न्यूज़ में क्या रहा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल के लिए आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है कौन है, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा फार्मर्स को कि हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2024 तक हम अपनी स्टेट को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग स्टेट बना देंगे। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या है? जीरो बजट का मतलब है कि विदाउट एनी क्रेडिट, विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन इनपुट्स, हम वो फार्मिंग करेंगे। नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये है कि हम फार्मिंग करेंगे विदाउट केमिकल्स, हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे अपनी फार्मिंग में। तो जाहिर सी बात है इससे जो हमारा एग्रीकल्चर है वो ज्यादा सस्टेनेबल होगा, ज्यादा अच्छा होगा, और आगे चलते किसान को ज्यादा कमाई भी होगी क्योंकि उसका खर्चा जो है वो कम होगा। तो अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है इसको आप नोट कर लें अपने अपने आंसर्स में। जब आपसे ये पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर में इंडिया को क्या डायरेक्शन लेना चाहिए, तो ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स पे आते हैं, सिलेबस में ये एज इट इज मेंशन है टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स, ठीक है। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, उसने पहली बार पूरे देश भर का एक सॉइल मॉइस्चर मैप दिया है, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर मैप से क्या होगा कि सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो किसान को अंदाज़ा लगेगा। जब हमें वो अंदाज़ा लगेगा तो हम जो इरिगेशन है उसमें हम बहुत सारा वाटर कंजर्व कर सकते हैं, राइट अमाउंट में वाटर हम दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो टेक्नोलॉजिकल यूज़ है, जो फार्मर्स के लिए हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है कि हमने सॉइल मॉइस्चर मैप जो है वो IMD ने पूरे कंट्री वाइड प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं बायोसेफ्टी की, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ क्या होती हैं? ये बेसिकली वो स्पीशीज़ होती हैं जो नेटिव स्पीशीज़ नहीं होती, बाहर की कंट्री की स्पीशीज़ होती हैं और ये आके हमारी नेटिव क्रॉप को ख़राब कर देती हैं, ठीक है। तो ये आती कहाँ से? ये शिपिंग के थ्रू आ सकती हैं या अन्य और तरीक़ों से आ सकती हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में न्यूज़ आया कि एक फॉल आर्मी वर्म है, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में पाया गया है और ये मेज़ की क्रॉप को ख़राब कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ की बहुत अच्छी एग्जांपल है, ये बिल्कुल कंटेम्प्रेरी एग्जांपल है जो आप अपने आंसर में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बायोसेफ्टी के क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे जनरली एग्रीकल्चरल चैलेंजेस की बात करें तब भी ये पॉइंट उसमें आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी चार कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड अच्छी एग्जांपल्स, अच्छी चीज़ें जो आप लिख सकते हैं। फिर हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी आई थी हिंदू के अंदर कि वायनाड जो कि साउथ के अंदर है, उसका जो एक पब्लिक हेल्थ सेंटर है, आपको पता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मल्टीपल टीयर्स होते हैं, जैसे बेसिक सबसे निचले लेवल पर होता है सब सेंटर, फिर पब्लिक हेल्थ सेंटर, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर टर्शरी लेवल हॉस्पिटल्स। तो जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है वायनाड का, उसने टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने प्रॉपर ई हेल्थ सिस्टम शुरू किया है और वहाँ PHC में टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी अवेलेबल है। टेलीमेडिसिन क्या होता है कि लोग उस PHC में जा सकते हैं और जो बड़े शहरों के अंदर जो और क्वालिफाइड सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर्स हैं उनसे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं उस सेंटर में जाके, ठीक है। तो नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन में इस पब्लिक हेल्थ सेंटर में 98% स्कोर किया है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। ये दोस्तों अच्छी एग्जाम्पल है उस चीज़ की कि सरकार भी कैसे बहुत अच्छा काम कर सकती है अगर वो करने पर आए तो, ठीक है, कि कितना अच्छा पब्लिक हेल्थ सेंटर हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है।
अब कुछ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने सबने सुना होगा अभी रिसेंटली तनुश्री दत्ता, जो कि एक ये एक्ट्रेस हैं मशहूर हुआ करती थी, तो उन्होंने अभी नाना पाटेकर के अगेंस्ट और एक और हैं कोई विवेक अग्निहोत्री जी, उनके अगेंस्ट कुछ लगाए हैं कि इनको सेक्शुअली हैरेस किया गया था कुछ साल पहले। तो दोस्तों ये तो उन्होंने एलिगेशंस लगाए, लेकिन इसके बाद मीडिया के अंदर और भी कुछ फिल्म स्टार्स जो हैं अन्य, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही ट्रिवियलाइज़ किया, मतलब बहुत सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने उल्टा इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि इन्होंने उस टाइम पे क्यों नहीं कंप्लेंट करी थी, ठीक है, ये अब क्यों बता रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की, अब क्योंकि इनका करियर डाउन स्लाइड कर रहा है तो ये वापस न्यूज़ में आने के लिए ऐसा कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ समझने की बात यह है कि कैसे हमारी जो समाज है, हमारी जो सोच है वो कितनी ख़राब है। एक विमेन एक सीरियस चार्जेस लगा रही है, लेकिन हम उसको भी सीरियसली प्रोफेशनली हम उसको डील नहीं कर रहे। मतलब इसमें ऐसा चाहिए कि पुलिस प्रॉपर कंप्लेंट नोट करे, FIR करे और इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन इसकी जगह समाज में मीडिया के अंदर बातें ये हो रही हैं कि ये तो एलिगेशन अपना करियर रिवाइव करने के लिए लगा रही हैं। तो जैसे कैसे ये ट्रिविलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, उसकी ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब इसको अपने क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। ऐसी सरकार ने एक नेशनल डेटा बेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स अभी बनाया है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये इस चीज़ का कि सरकार क्या कर रही है वुमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम्स को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। इस डेटा बेस में बेसिकली सेक्सुअल ऑफेंडर्स के नाम होंगे, सारा इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर होगा, पुलिस को इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो हम प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स को, ठीक है, तो ये इसका फायदा होगा। फिर पैनिक बटन्स जो हैं ये अक्रॉस द कंट्री अभी लागू किए जाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या किया था कि यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मोबाइल के अंदर पैनिक बटन्स का प्रावधान रखा था, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट जो था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो जो मेनका गांधी जी हैं, जो हमारी मंत्री हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, उन्होंने कहा कि अब हम इसको कंट्री वाइड लागू करेंगे। तो जब ये कंट्री वाइड लागू होगा तो बहुत अच्छा होगा। अब दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूं, पैनिक बटन अगर आपका स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन के अंदर आपको एक ऐप दी जाएगी जिसके अंदर आप ये बटन दबा सकते हैं, और जो अन्य दूसरे फोन होते हैं जिनमें बटन होते हैं उसके अंदर एक डेजिनेटेड बटन होगा, जैसे 0# हो गया या इस तरह से कोई बटन होगा जिसको दबाने से आप वो पैनिक बटन प्रेस हो जाएगा और आपके पास पुलिस हेल्प पहुंच जाएगी, ठीक है। तो पैनिक बटन्स ये एक अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का कि कैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए सरकार काम कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों एक और अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इससे रिलेटेड जो आया है, जो नोबेल पीस प्राइज आपने सुना होगा दो लोगों को मिला, एक कॉन्गोलीज डॉक्टर हैं डेनिस मुकवेगे, वो कांगो के अंदर DR कांगो के अंदर जो सेक्सुअल वायलेंस की विक्टिम्स हैं उनकी वो मदद करते हैं, ठीक है। ऐसे ही याजिदी जो है, याजिदी एक एथनिक कम्युनिटी है जो कि अफगानिस्तान, ईरान, ये इस रीजन की मिडिल ईस्ट की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनके अगेंस्ट बहुत सारी अट्रॉसिटीज़ कमिट करी हैं खासकर ISIS ने, ठीक है। तो याजिदी राइट्स एक एक्टिविस्ट हैं नादिया मुराद, उनको ये नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है, और ये ISIS ने इनको किडनैप कर लिया था, उनको सेक्सुअल स्लेवरी के लिए यूज़ किया था। तो ये एक्टिविज्म के लिए काफ़ी जानी गई हैं, काफ़ी मानी गई हैं, तो इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज़ मिला। तो इस तरह से भी आप अपने आंसर की कुछ स्टार्ट कर सकते हैं कि रिसेंटली सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन वॉज हाईलाइटेड, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो उन दो लोगों को मिला जो कि इस फील्ड में उन्होंने बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, हमें इसके लिए सोल्यूशन और हमें काम करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये चार थे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी की। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये डिसाइड किया है कि एक इसराइल की तरह इंटीग्रेटेड बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम हम लागू करेंगे अपने बॉर्डर्स पे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है रीसेंट डेवलपमेंट की कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इंडिया क्या कर रहा है। ये इंटीग्रेटेड बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम बेसिकली बहुत ही टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड सिस्टम होगा जिससे हम अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को और दुरुस्त बना पाएंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है। फिर हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, डेटा प्रोटेक्शन और डेटा ओनरशिप की कुछ एग्जांपल्स हैं। आपने दोस्तों हाल ही में सुना होगा इस हफ्ते कि फेसबुक के करीबन 90 मिलियन यूज़र्स, मतलब 9 करोड़ यूज़र्स लॉग आउट हो गए थे अपने अकाउंट से। ये फेसबुक ने इसलिए किया था क्योंकि उनका जो अकाउंट था वो उनको ऐसा था कि शायद वो हैक हो गए हैं, वो सिक्योरिटी ब्रीच हो गया एक, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल रीसेंट फ्रेश एग्जांपल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कि क्यों हमें साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर फेसबुक जैसी कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो हैक हो सकते हैं, जो कि जिनके पास सबसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं, तो हमारे जो सरकार की जो वेबसाइट्स हैं जो आए दिन हैक हो जाती हैं, हाल ही में आपने सुना होगा UPSC की साइट भी हैक हो गई थी, ठीक है। तो कैसे हमें ज़रूरत है कि हम अपनी साइबर सिक्योरिटी जो पॉलिसी है, जो लॉ है, उसको हम और दुरुस्त करें, ठीक है।
दोस्तों एक और अच्छी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस फील्ड की ये हुई है कि टिम बर्नर्स ली, ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का, ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था, ये उसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है, www. तो इन्होंने एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट सॉलिड करके शुरू किया है. सॉलिड बेसिकली क्या करेगा कि जैसे आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है तो डेवलपर्स उस ऐप को बनाते हैं, तो डेवलपर्स जो होंगे वो अगर सॉलिड प्लेटफॉर्म यूज़ करके आपकी ऐप बनाएंगे तो वो जो ऐप्स होंगी उसमें जो डेटा जो है यूज़र्स का, वो ओनरशिप उस डेटा की यूज़र्स की ही होगी, मतलब वो सारा डेटा उनका यूज़र्स का ही होगा, ठीक है. तो यूज़र्स ही डिसाइड करेंगे कि डेटा कहाँ स्टोर होगा, किसके साथ शेयर होगा और कब डिलीट होगा. तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है. जब हम बात करते हैं, हाल ही में आपने सुना होगा कि वो जो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ था, जिन्होंने डेटा हैक कर लिया था, पॉलिटिकल मिसयूज़ किया था उसका इलेक्शंस के लिए, तो वैसे ही ये सॉलिड उसकी बहुत अच्छी काउंटर एग्जांपल है. आप दे सकते हैं अपने आंसर में कि कैसे टिम बर्नर्ली ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे हम डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स बना पाएंगे दैट रन ऑन डेटा फुली ओन्ड बाय यूज़र्स. तो काफ़ी अच्छी एग्जांपल है, ठीक है. अब दोस्तों आते हैं सिक्योरिटी के एक और टॉपिक पे, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट. तो आपने सुना होगा, अभी न्यूज़पेपर में बहुत चल रहा है ब्रू रिफ्यूजीज़. तो ब्रू रिफ्यूजीज़ बेसिकली मिजोरम के थे, ये त्रिपुरा में रहते हैं क्योंकि 1997 में एथनिक क्लैशेस हो गए थे, ठीक है, मिजोरम के अंदर, तो वो त्रिपुरा शिफ्ट हो गए थे. तो नॉर्थ त्रिपुरा के अंदर ये काफ़ी ब्रू रिफ्यूजीज़ रहते हैं. इस साल जुलाई में मिजोरम, त्रिपुरा और ब्रू पीपल्स फोरम जो हैं उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया था इनकी रिपैट्रिएशन के लिए. लेकिन अभी ये रिपैट्रिएशन चल रही है, ठीक से ज़्यादा हो नहीं पा रही, क्योंकि ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें अश्योरिटी चाहिए कि जब हम मिजोरम जाएंगे तो हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए. तो दोस्तों ये कुछ ऑनगोइंग इशू है. तो आप इसको इंटरनल रिफ्यूजी की एग्जांपल की तरह यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया को कैसे, मतलब इंटरनल रिफ्यूजीज़ की हमारे भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोहिंग्यास की या जो बाकी हैं उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे कुछ इंटरनल इंटरस्टेट प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उसकी ये काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक है. तो दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा. अगला जो पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बॉर, शायद आप लोगों ने ना सुना हो, ये न्यूज़पेपर में हालांकि चल रहा है. एक एरिक प्रोविंस करके जनाब हैं यूएस के अंदर, जो कि ब्लैक वाटर फर्म के मालिक हैं. तो ब्लैक वाटर एक सिक्योरिटी फर्म है यूएस के अंदर. वो अमेरिकन गवर्नमेंट को परसुएड कर रही है कि जो उनका अफगानिस्तान का वॉर है उसको वो प्राइवेटाइज कर दें, ठीक है. तो यूएस की जो सरकार है उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अपने ट्रूप्स और लगाए और उस वॉर को सॉल्व करे जो कि उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, या वो टोटली वहाँ से बाहर निकल जाएं, जिस केस में अफगानिस्तान के अंदर केओस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, रशिया भी आ सकता है वहाँ पे. तो ये दोनों ऑप्शंस उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हैं. तो ये कुछ बीच का रास्ता है जो कि एरिक प्रिंस जी ने प्रपोज किया है कि हम उस वॉर को प्राइवेटाइज कर दें, कि मैं सेना दूंगा जो वहाँ जाके प्राइवेट जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट जो डिफेंस पर्सनल है वो लड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है. तो ये बहुत ही अनोखी सी डेवलपमेंट है, शायद आपने ना सुनी हो. तो इस चीज़ को आप जनरली एक आइडिया की तरह यूज़ कर सकते हैं कि कैसे वॉर की जो कंसेप्शन है, पहले हम इतने मतलब सदियों से स्टेट्स लड़ती आ रही हैं, लेकिन अब ऐसा ज़माना भी आ सकता है जहाँ पे वॉर ही प्राइवेटाइज हो जाए, ठीक है. कैपिटलिज्म का कुछ ऐसे आता है, तो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है उसमें ये डालने के लिए, ठीक है. अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ बात कर लेते हैं. दोस्तों आप सबने सुना होगा, इंडिया ने रशिया के साथ डील साइन करी है S-400 ट्राइम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए. ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ठीक है. तो यूएसए का एक कैट्सा लॉ है, आप सबने सुना होगा. कैट्सा लॉ बेसिकली उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट सैंक्शंस करता है या प्रोहिबिट करता है जो कि अमेरिका के एडवर्सरी के साथ बिजनेस करती हैं. अमेरिका का एडवर्सरी कौन है उस एक्ट के अंदर, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया या आपका ये रशिया हो गया. तो इंडिया जैसे अगर ये डील कर रही है तो इंडिया के अगेंस्ट भी यूएस जो है वो कुछ सैंक्शंस लगा सकता है, ठीक है. तो इंडिया का ये डील साइन करना एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है स्ट्रैटेजिक अटोनॉमी की. स्ट्रैटेजिक अटोनॉमी बेसिकली ये होती है कि हम जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्ट करते हैं तो हम किसी के दबाव में आके, किसी से इन्फ्लुएंस होकर एक्ट नहीं करते. हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है जो कि ना यूएस कोई और डिक्टेट नहीं करवा सकता. तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक अटोनॉमी के लिए, कि कैसे इंडिया ने रशिया के साथ ये साइन किया है, ठीक है. अब आते हैं दोस्तों क्लाइमेट चेंज के बारे में. एक बहुत अच्छी न्यूज़ रही अखबार में कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक शिपिंग रेवोल्यूशन आ सकता है. शिपिंग रेवोल्यूशन कैसे आएगा कि आर्कटिक के पास जो आइस है वो जल्दी से पिघल रही है, वो ज़्यादा हर साल वो कम होती जा रही है. इस वजह से आर्कटिक के थ्रू जो हैं शिप्स पास कर सकती हैं. एक नॉर्थ वेस्ट ट्रेल है और नॉर्थ ईस्ट पैसेज है, ठीक है. तो ये सेलिंग रूट्स हमारे तैयार हो जाएंगे और हो सकता है कुछ साल में जो हमारी शिप है वो नॉर्थ पोल के ऊपर से ही पास कर जाए,
ठीक है, तो ये तो ट्रूली एक शिपिंग रेवोल्यूशन आ सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। ऑल दो इसका नुकसान बहुत होगा, सी लेवल वगैरह बढ़ जाएगा, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि क्लाइमेट चेंज को आप क्रिटिकली एनालाइज करें तो आपको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देने होते हैं। तो नेगेटिव तो आपको बहुत पता है क्लाइमेट चेंज के, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी हैं, जैसे शिपिंग रेवोल्यूशन आ सकता है, काफ़ी खर्चा बच सकता है, काफ़ी टाइम बच सकता है, इकोनॉमी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, तो गरीबी कम होगी, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बहुत अच्छी एग्जांपल न्यूज़ में रही, बेलंडूर लेक आपने सुनी होगी बेंगलुरु में, जिसके अंदर हाल ही में आग भी लग गई थी फास्फोरस की वजह से। तो बेलंडूर लेक बेसिकली एक हाइपर टॉक्सिक लेक है, जिसके अंदर बहुत सारा जो कूड़ा है वो आ गया है, और वो बहुत एक मतलब ड्रेन की तरह है, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसा पाया गया है, ऐसी रिसर्च हुई है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं उन्होंने एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया टुवर्ड्स ड्रग्स। तो दोस्तों ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही एक क्रूशल और बहुत ही वो डेवलपमेंट है कि अगर बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा ड्रग्स को, तो हम उस लेक को ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे। ट्रीट नहीं कर पाएंगे तो वो लेक वैसी ही रहेगी, उससे डिजीजेस होंगे, कंटामिनेशन होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और बढ़ेगा, ठीक है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की खासकर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी केस स्टडी बन सकती है। और मैं चाहता हूं कि बेलंडूर लेक जो है, आप बैंगलोर का छोटा सा मैप बना के आए, उसमें आप दिखाएं कि ये बेलंडूर लेक है और कैसे यहां पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। ये न्यूज़ काफ़ी रही, इंडोनेशिया के अंदर जो क्वेक आया और जो उससे सुनामी जनरेट हुई, उसमें 800 से ज़्यादा लोग मर गए। तो ये जो रीसेंट हैपनिंग है, अगर आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई सवाल आता है तो उसमें आप स्टार्ट जो है अपने आंसर की वो इस तरीके से कर सकते हैं कि रिसेंटली इंडोनेशियन क्वेक सुनामी में 800 से ज़्यादा लोग मर गए, एंड दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर स्ट्रॉन्ग डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन दैट शुड बी इन प्लेस, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही कंटेम्प्रेरी आपके पास एग्जांपल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, ठीक है। अब वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु के एक मंदिर में होली कंपोस्ट बनाया गया है। होली कंपोस्ट क्या होता है, आपको पता है मंदिरों के अंदर बहुत सारा सामान चढ़ाया जाता है, कुछ पत्तों का, कुछ फूल और इस ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन बेंगलोर के मंदिर ने क्या किया है, इससे एक कंपोस्ट तैयार करी है, होली कंपोस्ट। तो उसको उन्होंने प्रॉपर ब्रांड कर दिया है और उसको वो महंगे में बेच रहे हैं, क्योंकि वो मंदिर के सामान की कंपोस्ट है। तो क्योंकि हमारी यहाँ की जनता बहुत ही धार्मिक है, तो वो कंपोस्ट जो है कि मंदिर से ये कंपोस्ट आया है, तो उनकी क्रॉप को क्या पता और ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो लोग इस तरह से उसको ले रहे हैं। तो बहुत ही एक अच्छी एग्जाम्पल है ये कि कैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, मंदिर कैसे इसमें लीड ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही एक इनोवेटिव, बहुत ही अच्छा आइडिया है ये, ठीक है। तो ये भी आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रिटोरिया जो कि साउथ अफ्रीका का एक प्रसिद्ध और मेन शहर है, वहाँ पे दुनिया में पहली बार लायन कब्स को जन्म दिया गया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। तो दोस्तों देख रहे हैं टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छी साइंस एंड टेक की एग्जाम्पल है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में, ठीक है। उसके अलावा नोबेल का जो मेडिसिन का जो प्राइज़ है वो इस साल दो इम्यूनोलॉजिस्ट्स को दिया गया है, जिनकी स्टडी इस चीज़ में है कि बॉडी के जो नेचुरल डिफेंसेस हैं वो कैसे कैंसर को फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी इनोवेटिव ये चीज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हुई है। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम कैसे मतलब ड्रग्स लेकर, मतलब दवाई लेकर हम चीज़ें ठीक करें, तो इनकी जो रिसर्च है वो बहुत ही अच्छी है कि बॉडी के नेचुरल डिफेंसेस कैसे फाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक डायस्पोरा रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज़ रही, जैसे डायस्पोरा के कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं ब्रेन ड्रेन ब्रेन गेन के, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, गीता गोपीनाथ जी जो हैं वो नई आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट लगी हैं, शी इज़ द सेकंड इंडियन आफ्टर रघुराम राजन टू सर्व इन दैट पोजिशन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंडिया के लिए प्राउड वाली बात है। गीता गोपीनाथ अभी आजकल केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी हैं, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है, हालांकि वैसे ये US सिटीज़न हैं गीता गोपीनाथ जी, लेकिन इनका इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। ये ओवरसी सिटीज़न ऑफ इंडिया है, OCI हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कि इंडिया का डायस्पोरा कैसे इंडिया का नाम आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी GS में कुछ एग्जांपल्स। अब मैं कुछ डेटा बात करता हूँ, यहाँ पे डेटा मैंने इकट्ठा किया न्यूज़पेपर से आप लोगों के लिए। KG बालाकृष्णन जो कि आपको पता है इंडिया के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, वो 2010 में रिटायर हुए थे। उनके रिटायरमेंट के बाद एक भी दलित जो है जज वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँच पाया है। और आज की डेट में एज वी स्पीक 24 हाई कोर्ट जो हैं हमारे देश में, उसमें एक भी दलित चीफ जस्टिस नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा और स्टार्क एग्जाम्पल है कि हमारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में दलित रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्यों, वो इतनी ख़राब कैसे है, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, देर इज़ नॉट इवन अ सिंगल दलित चीफ जस्टिस इन 24 हाई कोर्ट्स, ठीक है।
अब बात करते हैं सैनिटेशन की. 24 ओपन डेफिकेशन स्टेट्स बन चुकी हैं. सैनिटेशन कवरेज जो है वो 39 से 93 पहुंच गया चार सालों में. तो दोस्तों ये जो डेटा है ये आपको याद करना भी आसान है, 39% और इसका उल्टा है 93%. तो मैं तो चाहता हूं कि आप इस फिगर को याद कर लें, कभी भी सैनिटेशन का स्वच्छ भारत का क्वेश्चन आए तो आप इस डेटा को कोट कर सकते हैं कि हमारी इंडिया की सैनिटेशन कवरेज जो है वो 39 से 93% हो गई है. और एक इंडिपेंडेंट स्टडी भी हुई थी, उसने यूटिलाइजेशन को भी लगभग 90% के आसपास बताया है. जैसे हम कहते हैं ना कि टॉयलेट्स तो बना दिए लेकिन यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन ये भी न्यूज़पेपर में आया था कि इनकी जो यूजेज है वो भी करीबन 90% के आसपास पहुंच गई है. अब ये डेटा कितना सही है कितना गलत है ये तो देने वाले ही जाने, लेकिन फिगर ये है जो कि आप कोट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्लीन एनर्जी की. 2030 तक गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि 40% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज से आए. तो ईजी है ये याद करना, याद रखें आप इस चीज़ को कि 40% का टारगेट है 2030 तक. ठीक है, फिर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2017, इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई कि इंडिया इज़ द फोर्थ वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री बट कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 5% इन कॉजिंग क्लाइमेट चेंज. तो हमारा क्लाइमेट चेंज होने में या उसको करने में सिर्फ 5% योगदान है, लेकिन हम फोर्थ वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री हैं. ठीक है, तो ये याद करना थोड़ा आसान है, इंडिया इज़ द फोर्थ वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री बट कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 5% इन कॉजिंग क्लाइमेट चेंज. तो इस तरह के जब आप डेटा कोट करते हैं अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल में या जनरल स्टडीज़ में, तो इसका बहुत ही एक हाई इम्पैक्ट आप वो एग्जामिनर पे छोड़ सकते हैं कि आपको काफ़ी प्रिसाइजली मालूम है और आपने बहुत ही अच्छा कंटेक्स्ट से अपने आंसर को स्टार्ट किया है. या फॉर दैट मैटर इवन अगर आपको स्टार्ट में याद ना है तो आप कंक्लूड भी कुछ ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, अब कुछ अच्छे फ्रेजेस की बात करते हैं जो न्यूज़ में रहे. जैसे यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा इंडिया को कि इंडिया एक पिलर है मल्टीलैटरलिज्म का. तो इंडिया क्योंकि एक पिलर है मल्टीलैटरलिज्म का, तो उनको जो रोहिंग्या क्राइसिस है म्यांमार का, जो रोहिंग्याज हैं उनमें इंडिया को ज़्यादा ग्रेटर रोल प्ले करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया. ठीक है, तो आप इस फ्रेज को आप कोट कर सकते हैं कि इंडिया एज अ पिलर ऑफ मल्टीलैटरलिज्म. ठीक है, तो ये एक अच्छा फ्रेज है. फिर प्रधानमंत्री ने हमारे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो अभी जनरल असेंबली हुई थी उसके अंदर बहुत अच्छी एक फ्रेज दिया उन्होंने, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड. ये मैंने गलती से ऑन लिख दिया, ये वन है यहाँ पे. तो इनका आइडिया बेसिकली ये है कि पूरी दुनिया को एक कॉमन जो ग्रिड है, जो सोलर पावर है, उसकी ग्रिड होनी चाहिए. तो वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड. ठीक है, तो आप इस फ्रेज को ऐसे यूज़ कर सकते हैं अगर रिन्यूएबल एनर्जी का कोई क्वेश्चन आता है कि एज आर प्राइम मिनिस्टर हैज़ राइटली कॉल्ड फॉर वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, वी शुड डू सो एंड सो थिंग्स, है ना, और वी आर डूइंग सो एंड सो थिंग्स. ठीक है, तो इससे काफ़ी आंसर अच्छा हो जाता है. तो दोस्तों अभी तक जो मैंने बात करी वो थी GS 1, 2 और 3 के लिए कुछ एग्जांपल्स थी. ठीक है, जो कि मैंने टॉपिक वाइज अरेंज करी थी. अब हम जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स की बात करेंगे. तो इसमें मैं खासकर कुछ एग्जांपल्स की बात करूंगा जो कि उनमें कुछ वैल्यूज़ छिपी हुई हैं. ठीक है, तो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी और पब्लिक गुड की बहुत अच्छी एग्जाम्पल न्यूज़ में आई थी. लाल बहादुर शास्त्री आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री रह चुके थे और प्रधानमंत्री से पहले वो गृह मंत्री भी थे. ठीक है, तो जब वो गृह मंत्री थे तो ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि उनके जो बच्चे थे वो जो स्कूल जाते थे वो टोंगे में जाते थे, जो हॉर्स कैरेज होता था. ठीक है, लेकिन उनके जो दोस्त लोग होते थे बच्चों के वो गाड़ियों में आते थे और जो दोस्तों के जो पेरेंट्स होते थे वो होम मिनिस्ट्री में शास्त्री जी के जूनियर होते थे. ठीक है, तो इनके जो बच्चे थे उनको बहुत लगता था कि हम टांगे में क्यों जाते हैं और वो गाड़ी में क्यों आते हैं, हमारे तो जो पिता हैं वो होम गृह मंत्री हैं. ठीक है, तो उन्होंने बच्चों ने बच्चे जो हैं वो थोड़ा नाराज़ हुए, तो शास्त्री जी ने घर आके पूछा उनसे कि आप क्यों क्या बात क्यों नाराज़ हैं. तो बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे करके हम नहीं कार में जा सकते क्या. तो शास्त्री जी ने कहा कि मेरे पास अपनी कार तो है नहीं, लेकिन मैं आपको गवर्नमेंट कार दे सकता हूँ, लेकिन कार तब तक ही रहेगी जब तक मैं मंत्री रहूँगा, लेकिन जैसे ही मैं मंत्री पद से हटूंगा तो आपको वापस टांगे में जाना पड़ेगा. तो ये सुन के बच्चों को लगा कि इससे अच्छा तो ये है कि हम टांगे में ही जाएं, कि अगर हम अभी गाड़ी ले लें और फिर टांगे में जाएं तो वो सही नहीं होगा. तो ये आप देख सकते हैं कि शास्त्री जी की कैसी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी और पब्लिक गुड की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है. ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एथिक्स के पेपर में एग्जाम्पल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. जनरल स्टडीज़ में तो है ही, लेकिन एथिक्स में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एथिक्स में जब वैल्यू का सवाल आता है उसमें अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखते कोई पर्सनल लाइफ से या किसी और की लाइफ से, तो आपको जो और मार्क्स मिल सकते हैं वो एक्चुअली आप लूज़ कर जाते हैं. ठीक है, और जो उसको एग्जामिनर को एग्जाम्पल पढ़ के अच्छा लगता है कि हाँ आप एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करके आए हैं. ठीक है, अब दोस्तों डिसेंट की एक एग्जाम्पल. डिसेंट मतलब ये है कि
अपना ओपिनियन देना जो कि मोस्टली मेजॉरिटी के अगेंस्ट हो। तो आपने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट सुनी होंगी, जैसे एक्टिविस्ट केस था वो जो भीमा कोरेगांव के एक्टिविस्ट थे, या एक आधार केस था, इसके अंदर दो जजेस ने बहुत ही सबरीमाला केस था, तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी जो हैं उन्होंने सबरीमाला केस में और जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक्टिविस्ट और आधार केस में अपनी बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी डिसेंटिंग जजमेंट्स दी हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये उस चीज़ की एग्जांपल है कि कैसे एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए डिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जैसे थॉमस जेफरसन जो कि यूएस के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने कहा था डिसेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रियोटिज्म। तो एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए डिसेंट कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हैं डिसेंट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। दोस्तों, हाल ही में सुना होगा आपने जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, ये डिसीजन लिया गया है सीआईसी ने, सीआईसी क्या है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, की बीसीसीआई को भी आरटीआई के अंदर डालें और बीसीसीआई इज़ आल्सो आंसरेबल टू द पीपल। तो ये कैसे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, ये काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है उस चीज़ की, कंटेम्प्रेरी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्फलेसनेस आइडियल सिटीजन की। रूप नारायण निरंजन जी हैं जिनको राष्ट्रपति का अवार्ड फॉर टीचर्स मिला है, ये रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। हर दिन सुबह ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी के अंदर वहाँ के गांव में ये सुबह सुबह अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करते हैं, रोड्स को रिपेयर करते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी एग्जाम्पल है एक आइडियल सिटीजन की, सेल्फलेसनेस की। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को जैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ कॉरपोरेट बिजनेस साइड आते हैं। आपने सुना होगा इलॉन मस्क जी के बारे में, ये टेस्ला के चेयरमैन है। टेस्ला एक यूएस की बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। ठीक है, तो उनको हाल ही में रिज़ाइन करना पड़ा टेस्ला चेयरमैन की पोस्ट से और $20 मिलियन का फाइन देना पड़ा इन अ सिक्योरिटीज़ फ्रॉड अरेंजमेंट विद USSEC। USSEC क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। जैसे इंडिया का सेबी है, वैसे वहाँ का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है जो कि स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, इन्होंने किया क्या था, इलॉन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया था, ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम कंपनी को प्राइवेट लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो उसकी जो वैल्यू थी वो ऑल इन्फ्लुएंस हुई इससे, और ये जो न्यूज़ थी गो प्राइवेट की, ये सरासर गलत न्यूज़ थी। तो इसकी वजह से इनको फाइन भी लगाया गया और इनको रिज़ाइन भी करना पड़ा एज़ पार्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी एग्जांपल है कि कैसे यूएस के अंदर रेगुलेशन जो है, एक अच्छा रेगुलेटर है, वो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी इस तरह से वो नहीं छोड़ता, चाहे वो उन्होंने एक ट्वीट ही क्यों ना किया हो। तो दोस्तों, हमें भी ज़रूरत है इंडिया में हम इस तरह की चीज़ को लागू करें, हम स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर्स बनाएं। ठीक है, और कॉरपोरेट गवर्नेंस को और स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, हाल ही में आपने सुना होगा एक और एग्जांपल, IL&FS जो कंपनी है वो 91,000 करोड़ के डेट में है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि कैसे इंडिया में रोबस्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस की हमें ज़रूरत है और हमारे कैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस एथिक्स, कॉरपोरेट गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर्स, इन सब में आप यूज़ कर सकते हैं इन एग्जांपल्स को। ठीक है, फिर लीडरशिप और मोटिवेशन की बहुत अच्छी एग्जांपल आई, रामविलास शर्मा जो कि हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि पंचकुला जो कि चंडीगढ़ के पास है, वहाँ पे एक कोटी विलेज है, वहाँ पे वो हर महीने एक बार उस स्कूल में जाके पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए किस तरह से यू लीड बाय एग्जांपल, कि आपके जो पूरे काडर्स हैं, जो आपके लोग हैं, वो कैसे इससे मोटिवेट होंगे कि मंत्री जी अगर खुद आके पढ़ा रहे हैं तो हमें भी कैसे काम करना चाहिए। और ठीक है, ये काफ़ी अच्छी केस स्टडी है ये। फिर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। आपने हाल ही में सुना होगा यूएस में काफ़ी चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक नॉमिनी हैं ब्रेट कैवेनो, इनको नॉमिनेट किया गया सुप्रीम कोर्ट के पद के लिए, जज के पद के लिए। ठीक है, लेकिन इनके अगेंस्ट कुछ महिलाओं ने रेप के एक्यूजेशंस लगाए, सेक्सुअल वायलेंस के एक्यूजेशंस लगाए, जो कि कुछ साल पहले हुए थे। ठीक है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूएस के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जिनको हम सेनेट हेयरिंग्स बोलते हैं। तो सेनेट जो है वो उनका एक हाउस है, वो हेयरिंग करता है। वहाँ पे उन्होंने ब्रेट कैवेनो को भी बुलाया जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के नॉमिनी हैं, उनसे बहुत ही जटिल से जटिल सवाल पूछे। ठीक है, ऐसे ही उन्हें जिन्होंने एक्यूजेशन लगाए हैं उनसे भी सवाल पूछे। तो ये जो सेनेट हेयरिंग्स का जो सिस्टम है, ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वो एक अकाउंटेबिलिटी का बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। क्या आप इंडिया में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई जज के लिए नॉमिनेट हुआ, उसके अगेंस्ट ऐसे एलिगेशंस हैं, तो उनकी इस तरह से हेयरिंग्स हों? तो जाहिर सी बात है, इंडिया के लिए सीखने के लिए कि हमें भी कुछ ऐसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बनाने चाहिए। ठीक है, तो ये आप पॉलिटी GS पेपर 2 में भी यूज़ कर सकते हैं और कैसे एथिक्स में भी ये यूज़ हो सकती है एग्जाम्पल। ठीक है,
फिर दोस्तों यूपी के अंदर एक बहुत ही न्यूज़ रही अभी हाल ही में कि एप्पल के एक एग्जीक्यूटिव थे एप्पल कंपनी के, जिनको एक कॉप ने गोली मार दी, ठीक है, और उनसे उनकी मौत हो गई, ठीक है। तो हालांकि कॉप्स जो हैं उनको सस्पेंड और डिसमिस कर दिया गया सर्विस में से, लेकिन ये जो एग्ज़ाम्पल है ये इस चीज़ को दर्शाता है कि यूपी में या इंडिया के अंदर पुलिस जो है वो कैसे, मतलब पुलिस रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है, ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया इस चीज़ को कि कैसे ये रूल बाय गन हो रहा है इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये आप एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूपी के एनकाउंटर कल्चर की, कि कैसे अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर नहीं हो पा रही इस कल्चर की वजह से, ठीक है। अब दोस्तों कुछ एस्से के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं। एस्से के अंदर एक बहुत अच्छा आइडिया, हिंद स्वराज के अंदर गांधी ने दो कॉन्सेप्ट दिए, सोल फोर्स और ब्रूट फोर्स का, और इसको कॉन्ट्रास्ट किया, ठीक है। तो गांधी जी का ये कहना था कि जो ब्रूट फोर्स है वो इस चीज़ पे बेस्ड रहती है कि हमारी ज़रूरतें कैसी पूरी हों, मतलब एक ज़रूरत के बाद दूसरी ज़रूरत, दूसरी पूरी होने के बाद तीसरी ज़रूरत। तो जो ब्रूट फोर्स है वो बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन इंटॉक्सिकेशन विद एंडलेस क्रेविंग फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ नीड्स, ठीक है। लेकिन जो सोल फोर्स होती है, जो अंदर से सोल फोर्स होती है, वो हमारी जो खुद की पावर है, हमारे इनर रिसोर्सेज को यूज़ करती है, और हमारी जो नीड्स है उस पर कंट्रोल पाने में हमें, काबू लाने में हमें मदद करती है। तो हमें सोल फोर्स डेवलप करनी चाहिए, ना कि ब्रूट फोर्स, ठीक है। तो बहुत ही एक अच्छी एग्जांपल है सोल फोर्स और ब्रूट फोर्स की, आप यूज़ कर सकते हैं एस्से में, ठीक है। दोस्तों हर हफ्ते मैं आपको एक टॉपिक रिलेटेड कोट्स दिया करूँगा, ठीक है, जो कि आप नोट कर सकते हैं और अपने उस, अगर एस्से उस रिलेटेड आए तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड दो कोट्स हैं टेड शुल्ट्स की। टेड शुल्ट्स बेसिकली एक नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज के विनर हैं, इन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत काम किया है, बहुत प्रसिद्ध हैं ये, ठीक है। तो इनकी बहुत ही एक प्यारी कोट्स हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, मैं पढ़ता हूँ पूरी पहले यहाँ से। फ्यू साइंटिस्ट थिंक ऑफ एग्रीकल्चर एज द चीफ और द मॉडल साइंस, बहुत ही कम साइंटिस्ट एग्रीकल्चर के बारे में उसको चीफ या मॉडल साइंस की तरह समझते हैं, बहुत ही कम साइंटिस्ट। बहुत सारे साइंटिस्ट तो उसको साइंस की तरह समझते ही नहीं है, मैनी इंडीड डू नॉट कंसिडर इट अ साइंस एट ऑल, येट इट वॉज द फर्स्ट साइंस, द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, इट रिमेन्स द साइंस विच मेक्स ह्यूमन लाइफ पॉसिबल, एंड इट मे बी दैट बिफोर द सेंचुरी इज ओवर द सक्सेस और फेलियर ऑफ साइंस एज अ होल विल बी जज्ड बाय द सक्सेस और फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों थोड़ी सी लंबी कोट है, लेकिन जो इसको याद करने में मैनेज कर सकते हैं तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इसको पहले आप समझें, फिर इसके जो शब्द हैं चाहे थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएं, लेकिन इसको ऐसा थोड़ा याद करने की कोशिश करें। इसका मतलब यह है कि टेड शुल्ट्ज़ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट एग्रीकल्चर को एक साइंस भी नहीं समझते, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर जो है ये सबसे पहली साइंस थी, इट इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, ये वो साइंस है जिससे बाकी जो पूरी ह्यूमन लाइफ है वो पॉसिबल है, और जो दूसरी साइंसेज है हमारी उन सबका सक्सेस और फेलियर जो है वो इस चीज़ से जज किया जाएगा कि हमने एग्रीकल्चर में कितना सक्सेस और फेलियर किया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कोट है, आप इसको 3-4 बार पढ़ें और इसको याद करने की कोशिश करें। और इन्हीं की एक और कोट है जो कि थोड़ी सिंपल है, जिनसे ऊपर वाली याद ना हो वो नीचे वाली कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर पीपल अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, सो इफ़ वी न्यू द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर वी वुड नो मच अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ बींग पुअर। तो ज़्यादातर दुनिया के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, वो अपनी रोज़ी रोटी जो है वो एग्रीकल्चर से कमाते हैं। तो अगर हमें इकोनॉमिक्स पता है एग्रीकल्चर की, तो हमें पता है कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ बीइंग पुअर, ठीक है। तो बहुत अच्छी कोट है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी इस बार का ये जो इस वीक का जो मसाला था, ठीक है। और एक मैं, अच्छा, आपको डेफिनेशन भी दे दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि डेफिनेशन भी दूंगा हर हफ्ते एक अच्छी डेफिनेशन। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स बाय विच अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन इज़ गवर्न्ड, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, इसको आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने काफ़ी बच्चों की आंसर शीट्स चेक करी हैं मेंस की, तो उसमें मैंने ये पाया है कि काफ़ी बच्चे आंसर की जो स्टार्टिंग है, अगर उसमें कुछ कॉन्सेप्ट पूछा हो, कोई चीज़ पूछा हो, तो वो डेफिनेशन, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं लिख पाते। वो इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि आप उन डेफिनेशंस को प्रिपेयर करके नहीं जाते, और वहाँ पे आप सोचते हैं कि हम लिखेंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास एक आंसर लिखने के लिए सिर्फ 7 या 8 मिनट होते हैं, ठीक है। अब 7-8 मिनट में आप
डेफिनेशन भी सोचेंगे, आप एग्जांपल भी सोचेंगे, आप जो मेन कंटेंट है उसका वो भी सोचेंगे, तो इतना कुछ पॉसिबल नहीं होता। तो अच्छी बात होगी कि सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उनकी आप डेफिनेशन को तैयार कर लें, ठीक है। आप उनको तैयार कर लेंगे तो आप उसको एज इट इज़ वहाँ यूज़ कर सकते हैं, और बिलीव मी इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर, टू द पेपर चेकर, दैट यू हैव पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू मेक योर आंसर लुक गुड। और दोस्तों, आईएएस मेंस के अंदर जो खेल है वो आंसर राइटिंग का ही है। आपको कितना ही कुछ पता हो लेकिन आप अगर उसको प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पा रहे, आप अपने कंटेंट की मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो कटेंगे, वो आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। तो इसी के लिए दोस्तों ये इनिशिएटिव है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि मैं इस चीज़ को आपके लिए और बेहतर कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। आपको ये कैसा लगा, इसको लाइक करें, अच्छा लगा, बुरा लगा, अपने कमेंट सेक्शन में लिखें। और दोस्तों, ये जो PDF है ये आप स्टडी IQ वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक पे एक ग्रुप है IAS प्रेप विद मोहित, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं PDF डाल दूंगा। और इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और मैं फिर अगले हफ्ते आपके लिए फिर एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तो थैंक यू सो मच, वर्क हार्ड, बाय बाय।